मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने आपकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे लीनियर इक्वेशन के, तो आज हम आपकी 2.3 एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस यहाँ सोल्व करेंगे। जैसे आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अभी तक आपने क्या पढ़ा था 2.2 में कि आपका जो वेरिएबल था वो आपका ओनली वन साइड आ रहा था, ठीक है। इस तरीके से आपकी लीनियर इक्वेशन थी, यानी वेरिएबल ओनली वन साइड आ रहा था, या तो LHS साइड था या RHS साइड था, ओनली वन साइड आपको वेरिएबल मिल रहा था। अब इस 2.3 में हम क्या पढ़ेंगे कि दोनों साइड हमें वेरिएबल मिले, यानी LHS साइड भी हमारा वेरिएबल हो और RHS साइड भी हमारा क्या हो, वेरिएबल हो, ठीक है। जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या दे रखा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट, यानी आपको आपका आंसर भी चेक करके बताना है और इस इक्वेशन को सोल्व करना है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। अभी तक आपने वन साइड वेरिएबल देखा था, इसमें देखो आपके LHS साइड भी वेरिएबल है और RHS में भी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें जो 3x और 2x दे रखा है, आपको इसमें वेरिएबल को सोल्व कैसे करना पड़ेगा कि आपको वन साइड क्या लेके आना पड़ेगा, वेरिएबल, और एक साइड में आप क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, ठीक है। तो आपका इसमें देखो LHS साइड 3x है और RHS साइड क्या है, 2x है, ठीक है। अपने को वेरिएबल क्या लेके आना है, वन साइड लेके आना है, ठीक है, तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे, क्योंकि अपने को एक्स की तो वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो इसके दो मेथड हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 दे रखा है एक, ठीक है। तो 3x, तो मैंने क्या बोला, क्योंकि हमें यहाँ से ये 2x हटाना है, ठीक है। तो 2x कब हटेगा, यहाँ पे प्लस का 2x है, अगर आप इसमें माइनस 2x करोगे तभी तो यहाँ पे 2x की वैल्यू हट जाएगी, ठीक है, और हमारे पास इधर से x जो वेरिएबल है वो भी हट जाएगा। तो इसमें मैंने क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, 2x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3x माइनस 2x और 2x माइनस 2x प्लस 18 हो गया, ठीक है। 2x से क्या हुआ, 2x कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस माइनस अगर आप करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो 3x माइनस 2x में से अगर आप लेस करोगे तो क्या बचा, x, और इधर हमारा क्या बच गया, 18, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 18। तो एक तो आपका ये मेथड था कि आप जिस वेरिएबल को हटाना चाहते हो उस वेरिएबल को, उसमें से अगर प्लस साइन है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है। अब आपका इसमें सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड क्या है, 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। सेकंड मेथड मैंने क्या किया कि जो xx के वेरिएबल हैं, यानी जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड ले आओ और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड में कर दो, ठीक है। जैसे इसमें वेरिएबल है 2x, ये RHS साइड है, तो हम इसको किस साइड ले आएँ, LHS साइड ही ले आएँ, तो 3x माइनस 2x हो गया, ये इधर प्लस का है तो इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 18 ये इधर हमने कांस्टेंट रख लिया RHS साइड, ठीक है। तो 3x में से अगर 2x गया तो हमारे पास क्या बच गया, x बच गया, तो x और इक्वल टू में क्या आ गया, 19। दोनों कंडीशन में आपके आंसर सेम आएंगे, तो जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आप इसको उस मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। आप ये चाहते हो कि हम दोनों साइड वेरिएबल एक साइड ले आएँ, या फिर हम एक साइड का वेरिएबल है उसको सब्ट्रैक करके या एडिशन करके उसको हटा दें, तो उस मेथड से भी कर सकते हो। अब आपका इसमें आंसर चेक करना है, आंसर चेक करने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो एक्स की वैल्यू आ रही है, यानी जो वेरिएबल की वैल्यू आई है, उसको आप इक्वेशन में रख के देखो, अगर दोनों साइड यानी LHS साइड और RHS साइड दोनों साइड आपका आंसर सेम है तो आपका आंसर ठीक होगा, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 18 आई, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो हम क्या करेंगे, x हमारे पास वेरिएबल है, हम x वेरिएबल का क्या रखेंगे, जो वैल्यू आई है वो रखेंगे, तो 3x, x की जगह हमने क्या रख दिया, 18 इक्वल टू 2x, और x की जगह फिर हमने क्या रख दिया, 18 प्लस 18। अब इन दोनों को सोल्व कर लो मल्टीप्लाई करके, अगर आपका LHS और RHS साइड इक्वल हैं तो आपका आंसर राइट है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग है। तो देखो यहाँ पे भी 54 आ रहा है सोल्व करने पर, और RHS साइड भी हमारा क्या आ रहा है, 54, इसका मतलब हमारे ये आंसर राइट है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था बुक का। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, 6x प्लस 8 इक्वल टू क्या है, 3 स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 7, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो मैंने आपको क्या बताया, दो मेथड बताए, या तो आप ये करो कि इसमें एक साइड का जो वेरिएबल है उसको हटा करके सब्ट्रैक करके या एडिशन करके आप उसको हटा दो, अदरवाइज़
उसको एक साइड ले आओ, जैसे मैंने यहाँ पे एक साइड ही वेरिएबल किया है, इसको सोल्व किया, 6x + 8 = x - 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 3 को पहले x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 3x - 3 + 7। अब x वेरिएबल को हम क्या ले आए, एक साइड ले आए, तो 6x - क्या हो गया, 3x हो गया, और जो कांस्टेंट है यानी 6x - 3x, क्योंकि इधर +3x है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और कांस्टेंट को हम क्या ले लेंगे, वन साइड ले लेंगे, तो -3, ठीक है, +7 और 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x = -4/3। अब हमें ये इसका आंसर चेक करना है, तो चेक करने के लिए मैंने क्या बताया कि जो आपके पास मेन इक्वेशन है उसी में आप x की वैल्यू को क्या रख दो, पुट कर दो, ठीक है। अगर आपका आंसर सेम आता है तो इसका मतलब आपका आंसर राइट है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग है। जैसे इसमें देखो x = -4/3 रखा, यहाँ पे x की वैल्यू रख दी, यहाँ भी x की वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, नेक्स्ट आपका क्या है, -8 + 8 आ रहा है सोल्व करने पर, और इधर भी क्या आ रहा है, 0, क्योंकि -7 + 7, एक प्लस का 7 है, एक माइनस का 7 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी -8 है और +8 है, इसको भी लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों साइड आपका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर राइट है, यानी x = -4/3 आया है आपका, वो आंसर बिल्कुल क्या है, आपका राइट है, ओके। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपका एक इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज है 8 वाले में, तो ये भी मैं यहाँ सोल्व करवा रही हूँ। बाकी इसमें आपके 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं और सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, दोनों साइड वेरिएबल हैं, तो आप चाहे एक साइड वेरिएबल कर, सभी वेरिएबल्स को एक साइड लेके और कांस्टेंट को एक साइड लेके सोल्व कर लो, या फिर आपका एक साइड में जो वेरिएबल है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया 2x एक साइड था, तो आप वहाँ से 2x को हटा दो, यानी +2x था तो हमने -2x कर दिया वहाँ से हटाने के लिए, ठीक है। और अगर -2x होता हम उसको क्या कर देते, +2x कर देते। अब इसमें 8th क्वेश्चन देखो, आपका 8th क्वेश्चन क्या है, 2x / 3 + 1 = 7x / 15 + 3। मैंने वही मेथड यूज़ किया है यहाँ पे कि हमने वेरिएबल्स को क्या ले लिया, वन साइड ले लिया, तो 2x / 3, 7x / 15 क्या है, आपका RHS साइड है, तो जब आप इसको LHS साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, -7x / 15 हो जाएगा, ठीक है। और इधर RHS साइड है आपका 3, और इस 1 को इस साइड लेके आओगे +1 है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ सोल्व किया, इसको सोल्व कर दिया। यहाँ मैंने आपका LCM निकालना बता रखा है कि LCM किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे अपने पास क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 15, तो 3 और 15 का आप LCM निकालोगे तो LCM आपका क्या आ गया, 15 आ गया, तो हमने यहाँ नीचे क्या लिख दिया, 15 लिख दिया। अब देखो 15 में किसका डिवाइड करना है, हमें 3 का डिवाइड करना है, कितने टाइम गया, 5 टाइम गया। अब ये जो 5 आ रहा है, इस 5 को हम क्या करेंगे, इस 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x * 5 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 10x आ जाएगा, जो मैंने यहाँ लिखा है आपका 10x, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है 15, तो 15 में हमारे पास LCM क्या आया, 15 ही आया, तो 15 में अगर 15 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7x से, तो क्या आ जाएगा अपने पास वापस 7x आ जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है 10x - 7x / 15 = में क्या हो गया, 2 हो गया। अब 10x में से 7x अगर आप लेस करोगे तो कितना बचेगा, 3x। सब्ट्रैक्ट करना तो आपको इजीली आता है, ये तो आप कर लोगे, छोटे बच्चे हो नहीं, ठीक है। तो 3x / 15 आ गया, तो 3 1 3 और 3 5 15, तो x / 5 = क्या आ गया आपका, 2, यानी x = क्या हो जाएगा, ये 5 इधर डिवाइड में, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो x = क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमारा आंसर चेक करना है कि हमारा आंसर राइट है या नहीं। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आई है, 10 आई है, तो आप इक्वेशन में x की जगह क्या रख दो, 10 रख दो। जैसे 2x / 3 था तो 2x की जगह हमने क्या रख दिया, 10। -7x / 15 था तो 7x की जगह हमने क्या रख दिया, 10 रख दिया, / 15 = में हमारे पास है 2। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20/3, 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 70/15 = 2 हो गया, ठीक है। वही है 3 और 15 में हमने LCM निकाला, जैसे ऊपर तो 15 LCM आ गया, ये निकाल रखा है मैंने यहाँ, तो वही करना है। 15 में 3 का डिवाइड किया तो क्या आया, 5 टाइम गया, यानी 20 * 5 किया तो आपके पास क्या आया, 100, ठीक है। और 15 / 15 किया तो क्या आया, 1, और 1 को हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 70, ठीक है, = में क्या है, 2। तो अब 100 में से 70 अगर लेस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 30/15 = 2
15 टू ज़ा 30, तो 2 इक्वल टू 2, इसका मतलब आपका आंसर राइट है, क्योंकि दोनों साइड आपका क्या आ रहा है, इक्वल में 2। ये आपका नेक्स्ट 2.4 के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, ये फॉर्मूला देख लेना, हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।